हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक्सप्लेनेशन, कंजर्वेशन लॉ फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल। कंजर्वेशन लॉ टू टाइप्स, नंबर वन एग्जैक्ट और नंबर टू एप्रोक्सीमेट। तो देखिए, नंबर वन क्या है हमारा? एग्जैक्ट। नंबर टू एप्रोक्सीमेट। कंजर्वेशन लॉ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर वन एग्जैक्ट और नंबर टू एप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट कब होगा, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है चार्ज, नंबर वन चार्ज, नंबर टू एनर्जी, नंबर थ्री मोमेंटम, लेप्टन नंबर, वेरियन नंबर की वैल्यू कंजर्व होगी, तब ये हमारा एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ होगा। नंबर टू एप्रोक्सीमेट। एप्रोक्सीमेट में स्टेंजनेस, आइसोस्पिन, पेयरिटी, हाइपरचार्ज, चार्ज कंजुगेट, टाइम रिवर्सिबल और सीपी की वैल्यू कंजर्व हो भी सकती हैं और कंजर्व नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए इसको हम एप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ कहेंगे। तो कंजर्वेशन लॉ कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार का। पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेशन लॉ का क्लासिफिकेशन किया था और वहां हमने एप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ को एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं? नंबर वन चार्ज, नंबर टू एनर्जी, नंबर थ्री मोमेंटम, नंबर फोर लेप्टॉन्स यानी लेप्टॉन नंबर, नंबर फाइव बेरियंस नंबर, बेरियंस नंबर और नंबर सिक्स सी पी टी। ये हमारे सिक्स पॉइंट हैं। इन पॉइंट की वैल्यू यदि कंजर्व होगी उस कंडीशन में रिएक्शन अलाउ होगी, अगर ये वैल्यू कंजर्व नहीं होंगी तो रिएक्शन नॉट अलाउड होगी। तो देखिए, ऑल वैल्यू कंजर्व्ड, ऑल वैल्यू कंजर्व्ड, देन रिएक्शन आर अलाउड। अगर ये सभी वैल्यू कंजर्व होंगी यानी टोटल वैल्यू यहां से यहां तक की सारी वैल्यू क्या होंगी? कंजर्व होंगी, उस कंडीशन में ये एग्जैक्ट होगी और एग्जैक्ट होने पर ये होगी रिएक्शन क्या होगी? आपकी अलाउ होगी। अगर कोई भी वैल्यू कंजर्व नहीं होगी तो उस वैल्यू के लिए ये रिएक्शन नॉट अलाउड होगी। तो ये तो हमारे क्या है, पॉइंट हैं। इन पॉइंट के बेस पर हम रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्शन अलाउड है या रिएक्शन अलाउड नहीं है। इससे पहले हम कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर वन, पहला पॉइंट है हमारा स्पिन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनकी स्पिन क्या होगी? तो एलिमेंट्री पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। नंबर वन बोज पार्टिकल्स। बोज पार्टिकल्स का मतलब होता है बोजोन्स, और बोजोन्स में हमारा क्या आता है? फोटोन, पाई और के ईटा, पायोन, क्योन और ईटा, ये सब क्या है? मेसोन्स कहलाते हैं।
इनकी स्पिन क्या होती है, इनकी स्पिन यहां से लेकर इन सब के लिए, इनकी स्पिन क्या होती है, इन सब की स्पिन क्या होती है, जीरो होती है। फोटोन की स्पिन क्या होती है, वन होती है। तो फोटोन की स्पिन क्या होती है, वन होती है। नंबर टू, फर्मी पार्टिकल्स। फर्मी पार्टिकल्स में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर टू होते हैं हमारे बेरियॉन्स। नंबर वन लैप्टॉन्स और नंबर टू वेरियॉन्स। इन सभी की स्पिन वन बाई टू, वन बाई टू होती है, यानी हाफ इंटीजर होती है, लेकिन ओमेगा के लिए स्पिन थ्री बाई टू। ओमेगा की स्पिन क्या होती है, थ्री बाई टू होती है। तो ये क्या बोस पार्टिकल, बोस पार्टिकल में फोटोन की स्पिन क्या होती है, वन होती है। और पाई मेसॉन्स हो या के मेसॉन्स हो या ईटा मेसॉन्स हो या मेसॉन्स हो, उनकी स्पिन क्या होती है, जीरो होती है। फर्मी पार्टिकल, फर्मी पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, लैप्टॉन्स और आपके वेरियॉन्स होते हैं, जिनकी स्पिन वन बाई टू होती है, लेकिन ओमेगा की स्पिन थ्री बाई टू होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नंबर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। बोस पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहाँ पर फोटोन के लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लैप्टॉन और वेरियॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वन बाई टू होगी। तो ये क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम है। नेक्स्ट वैल्यू लैप्टॉन नंबर और वेरियॉन नंबर के लिए, लैप्टॉन एंड वेरियॉन नंबर एलिमेंट्री पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल्स के लिए लैप्टॉन नंबर और वेरियॉन नंबर दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी एल बराबर जीरो और बी बराबर क्या होता है हमारा, जीरो होता है। फर्मी पार्टिकल्स, फर्मी पार्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे लैप्टॉन्स, एक होते हैं वेरियॉन्स। तो लैप्टॉन नंबर, लैप्टॉन के लिए क्या होता है, वन होता है। वेरियॉन नंबर इसके लिए क्या होता है, जीरो। तो लैप्टॉन के केस में लैप्टॉन नंबर वन होता है और लैप्टॉन के लिए वेरियॉन नंबर क्या होता है, जीरो। बात करते हैं वेरियॉन के लिए, तो इसके लिए लैप्टॉन नंबर क्या होता है, जीरो, और वेरियॉन नंबर क्या होता है, वन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, लैप्टॉन नंबर, यानी लैप्टॉन के लिए एल की वैल्यू वन और बी के लिए जीरो। वेरियॉन के लिए एल की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू वन। या एंटी लैप्टॉन्स एल बराबर माइनस वन एंड एंटी वेरियॉन्स वी बराबर माइनस वन। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, लैप्टॉन और वेरियॉन के लिए। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट है मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड। ये हमारा इलेक्ट्रॉन मास है 0.511, प्रोटॉन मास है हमारा 938.28.28 या 0.3। मास ऑफ न्यूट्रॉन 939.573 या 0.6। म्यूऑन के लिए 105.66, न्यूट्रॉनों के लिए जीरो, पाई मेसॉन प्लस और माइनस के लिए 139.5 और पाई मेसॉन न्यूट्रल के लिए 134.96, क्योंस के लिए 493.67 और क्योन
न्यूट्रल के लिए 497.67 और ईटा न्यूट्रॉन के लिए 548.8 और के सॉरी आपके सिग्मा के लिए यानी कि सिग्मा प्लस और सिग्मा जीरो और सिग्मा माइनस। तो ये वैल्यू क्या है हमारी मास की वैल्यू। हमें स्पिन पता हो गया, एंगुलर मोमेंटम पता हो गया, हमको लेप्टन नंबर हमको पता हो गया, वेरियन नंबर पता हो गया, मास हमको पता हो गया। तो इन वैल्यू की हेल्प से हम रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन अलाउ है या नहीं। चार्ज की वैल्यू हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे और साथ साथ जो भी वैल्यू होगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन नंबर वन। रिएक्शन नंबर वन एन इज इक्वल टू यानी एन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉनो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉनो है। अब हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये रिएक्शन अलाउड है या अलाउड नहीं है यानी कि अलाउ या नॉट अलाउड। तो उसके लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमको किस किस पॉइंट की जरूरत होगी। नंबर वन चार्ज, नंबर टू एनर्जी, नंबर थ्री मोमेंटम, नंबर फोर इलेक्ट्रॉन नंबर, नंबर फाइव बेरियंस नंबर, बेरियन नंबर। इन वैल्यू के बेस पर हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्शन अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो पहला पॉइंट चार्ज, तो देखिए चार्ज नंबर वन चार्ज। अब हम बात करेंगे चार्ज की, ये क्या हमारा न्यूट्रॉन, ये क्या हमारा प्रोटॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये एंटी न्यूट्रॉनो। अब एंटी न्यूट्रॉनो है तो इन पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर क्या है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा जीरो, प्रोटॉन है प्रोटॉन पे चार्ज क्या है हमारा वन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस वन, और एंटी न्यूट्रॉनो है उस पर चार्ज क्या होगा हमारा जीरो होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जीरो, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा जीरो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो चार्ज के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन अलाउड है। तो कह सकते हैं हम लिख सकते हैं रिएक्शन अलाउड बाई चार्ज। नंबर टू एनर्जी, देखिए एनर्जी, एनर्जी का रिलेशन किससे होता है मास से। तो हमको क्या फॉर्म करना होगा, मास एक्सप्लेन करना होगा। तो मास निकालने का मतलब है हमारे पास ये क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनो और न्यूट्रॉनो, इन सब के मास एक्सप्लेन करने होंगे। तो देखिए इसका मास क्या हमने अभी एक्सप्लेन किया था 939.6। प्रोटॉन का मास क्या होता है 938.3। इलेक्ट्रॉन का मास क्या था प्लस 0.511। इसका मास क्या हो गया जीरो। तो यानी क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो गया 939.6, ये क्या हो जाएगा आपका 9 ऐड कर दें 38.811। एम आई ग्रेटर देन एम एफ यानी कि जो इनिशियल रिएक्शन थी
उसका मास ज्यादा है, फाइनल रिएक्शन उस कंडीशन में एनर्जी ई आई ग्रेटर देन ई एफ, तो ये रिएक्शन क्या होगी, अलाउड होगी। तो लिख सकते हैं रिएक्शन अलाउड बाई एनर्जी, रिएक्शन अलाउड बाई एनर्जी। तो ये हो गया एनर्जी हो गई। अब बात करते हैं मोमेंटम की, तो ये क्या है थर्ड पॉइंट, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए आप जानते हैं कि जो वैल्यू स्पिन एक्सप्लेनेशन करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी +1/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी +1/2। इन तीनों के लिए 1/2 1/2 हो गया। आप जानते हैं कि जब थ्री वैल्यू होती है, तीन, तो यानी कि मतलब है स्पिन S1 S2 और S3, तो इन स्पिन के बीच क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम कहते हैं कपलिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच, तो इनके बीच क्या होगा 1, यानी कि सॉरी 0, 1। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो इन दोनों, तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची हमारे पास 1/2। अब इन दोनों वैल्यू के बीच ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। तो एक वैल्यू क्या होगी 1/2 और एक वैल्यू क्या होगी 3/2। तो ये वैल्यू क्या होगी 1/2 और 3/2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हमारी 1/2, यहाँ भी वैल्यू क्या हमारी 1/2, तो 1/2 और 1/2, तो दोनों तरफ वैल्यू क्या है 1/2 है। तो 1/2 होने का मतलब क्या होगा, कंजर्व होगा, और कंजर्व होने का मतलब है ये रिएक्शन क्या होगी, अलाउ होगी। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन रिएक्शन अलाउड बाई मोमेंटम, रिएक्शन अलाउड बाई मोमेंटम। नेक्स्ट लेप्टन नंबर की बात करेंगे, तो देखिए तो लेप्टन नंबर क्या होता है, केवल केवल हमारा लेप्टॉन्स के लिए होता है, वेरियन के लिए नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, ये क्या है वेरियन और ये क्या है वेरियन, तो इसके लिए क्या हो गया 0 0, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू क्या हो गई 1, ये क्या है एंटी पार्टिकल है लेप्टॉन का, तो एंटी पार्टिकल के लिए क्या हो गया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल 0 0, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन इसके लिए भी क्या हो गई कंजर्व हो गई, और कंजर्व होने का मतलब है रिएक्शन आर अलाउड, सॉरी ये कहेंगे कि एल की वैल्यू क्या है कंजर्व है, रिएक्शन अलाउड बाई लेप्टॉन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वेरियन नंबर, तो देखिए वेरियन नंबर की बात करेंगे, जब लेप्टॉन आया तो उसके लिए 0 हो जाएगा, बेरियन के लिए क्या हो गया 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 0 प्लस 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगी रिएक्शन अलाउड बाई बेरियन। चार्ज के लिए, एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और वेरियन के लिए ये सारी वैल्यू क्या है कंजर्व है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी अलाउ होगी, यानी कि रिएक्शन आर अलाउड। लिख सकते हैं रिएक्शन अलाउड वाई चार्ज एनर्जी मोमेंटम
लेप्टॉन एंड बेरियन नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है इस तरह से आप लोग रिएक्शन अलाउड है या नॉट अलाउड है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड प्रॉब्लम। ये रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन है, केवल आपको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन सेम है, लेकिन ये यहाँ पर न्यूट्रॉनो है, इलेक्ट्रो न्यूट्रॉनो है, वहां एंटी न्यूट्रॉनो था, बस डिफरेंस इतना। तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है कि ये रिएक्शन अलाउड है या नॉट अलाउड। देखिए हमने कहा नंबर वन क्या करेंगे, चार्ज। नंबर टू क्या देखेंगे, मोमेंटम। नंबर थ्री क्या देखेंगे, सॉरी ये एनर्जी, मोमेंटम। नंबर फोर लेप्टॉन, और नंबर फाइव बेरियंस। ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए नंबर वन चार्ज, देखिए चार्ज में क्या है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज, चार्ज हो जाएगा इसके लिए जीरो, वन माइनस वन जीरो। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रिएक्शन अलाउड हो गई, पिछला ही है। नंबर टू एनर्जी में क्या है, ये भी क्या है, सेम है, ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगी, रिएक्शन अलाउड हो जाएगी। तो रिएक्शन अलाउड बाय एनर्जी। नंबर थ्री क्या है, सिमिलरली है, यहाँ थ्री क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम के लिए भी क्या होगी, रिएक्शन अलाउड हो जाएगी। अब बात आती है ये दो नंबर, ये टू नंबर्स एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्शन अलाउड होगी या नहीं होगी। देखिए अब बात करते हैं लेप्टॉन नंबर की। तो यहां पर क्या है, लेप्टॉन ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो प्लस वन और प्लस वन। देखिए यह क्या है, न्यूट्रॉनो है, वहां क्या था, एंटी न्यूट्रॉनो था, इसलिए ये वैल्यू क्या थी, माइनस थी, लेकिन यहां पर ये वैल्यू क्या है, प्लस है, इसलिए जीरो और ये क्या बन जाएगा, टू। तो डेल्टा एल नॉट इक्वल टू जीरो, रिएक्शन नॉट अलाउड बाई लैपटॉप। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉट अलाउड होगी, किसके अकॉर्डिंग, लैपटॉप नंबर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं वेरियन नंबर की। तो देखिए वेरियन नंबर में क्या हो जाएगा आपका, वन वन प्लस जीरो प्लस जीरो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए भी क्या रिएक्शन अलाउड शो कर रही है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगी, नॉट अलाउड होगी, किसके कारण, लेप्टॉन नंबर के कारण। हमने कहा था कि जितनी वैल्यू है वो सभी वैल्यू कंजर्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नॉट अलाउड, इसको कहेंगे नॉट अलाउड। आज हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया, रिएक्शन अलाउड और रिएक्शन नॉट अलाउड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन अलाउड, नॉट अलाउड और फॉरबिडन। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks.